बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को शैतान से बचने का तरीका बताऊंगा। ये तरीका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, इस पर आप अमल करें, आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी बुराइयां वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो पांच बातों पर ख़ुद भी अमल करें और बनी इसराइल को भी इनका हुक्म दें। उनमें से एक अमल ये है, मैं तुम्हें अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने का हुक्म देता हूँ। बिलाशुबा अल्लाह का ज़िक्र करने वालों की मिसाल उसकी तरह है जिसके पीछे दुश्मन तेज़ रफ्तारी से लगा हो, हत्ता कि वो किसी महफूज किले में दाखिल हो जाता है और इसमें अपने आप को दुश्मन से महफूज कर लेता है। इसी तरह बंदा अल्लाह के ज़िक्र ही से अपने आप को शैतान से बचा सकता है। किताब का हवाला ये नीचे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करेंगे तो शैतान से हम महफूज हो सकते हैं, बच सकते हैं। वो जो हमने बुराइयां डालने की कोशिश करता है उनसे हम बच सकते हैं। मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर आपने ज़रूर अमल करना है और आगे भी शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।